वेलकम बैक गाइस, आ गया हरिद्वार। बारिश भी चालू हो गई यार, ऑलमोस्ट सर के ऊपर ही है बादल। आज मैगी नहीं बनाऊंगा, स्टाइल का मैगी बनाऊंगा। वेलकम टू री व्लॉग। सो हम लोग जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर। जिसने इस ट्रिप को खोजा है उसका नाम है राहुल प्रसाद। प्लान तो बताते पूरा। दो ट्रैक है, एक वैली ऑफ फ्लावर का और एक नेक्स्ट डे उसका हेमकुंड साहिबा का ट्रैक। दोनों साथ में ही करेंगे वन बाय वन। पहले ट्रैवलिंग होगी, पहले हम इस ट्रेन से उतरेंगे सुबह हरिद्वार, फिर वहाँ से हम एक कैब या शेयर टैक्सी जो भी लेकर ऋषिकेश तक जाएंगे। फिर वहाँ से हमें एजेंट उठा लेगा, टूर गाइड, और वो हमें जोशीमठ लेके जाएगा। तो फर्स्ट डे हमारा बेसिकली यही होगा, हरिद्वार टू जोशीमठ, फिर हम वहाँ रात को स्टे करेंगे। वैसे यार इंदर को बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों भाई? यहाँ पर इंदर आता, संजू भी आता, मुझे मज़ा आता, पर संजू मजदूर हो गया आजकल, बेचारा अकेले काम करता है डिस्पैच में, और इंदर इंदर की दूर से आने ही नहीं देते। बताओ सबसे डर है उसकी वाइफ से। भाई गुस्सा मत होना ब्लॉग देते समय, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। इंदर रोता है यार, इंदर डर डर के रहता है भाई। पर मैंने नहीं बोला आज तक इंदर की वाइफ डर मुझसे मारती है ना। मैंने बोला, मैं ये कह रहा हूँ डर डर के जीने में क्या फायदा, खुल के जियो थोड़ा। संजू भाई तो सॉरी यार, तेरे को लाए नहीं हम, प्लान में नहीं बताया था, आगे बताएंगे, आगे बताएंगे तेरे को। गजब बेइज्जती है। आगे बताएंगे हरिद्वार। अब हरिद्वार से जा रहे हैं ऋषिकेश। हमने करेक्ट टाइम पे पहुंच गई, एकदम 6 बजे सोमवार। हम लोग अब जा रहे हैं बस स्टैंड के पास, यहाँ से पकड़ेंगे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि 8 बजे हमको पहुँचना है। क्योंकि हमने ट्रैवल कंपनी बुक करी है ना, जो हमको पूरा इस बार घुमाएगी मेनली, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पहली बार बस एकदम नहीं है यहाँ पे, वरना यहाँ पे चिल्लाते रहते थे बिठाने के लिए। मुझे लग रहा है कावड़ वगैरह चल रहा है ना, इस चक्कर में बसें बंद कर रखी है अभी फिलहाल के लिए। Hours later. तो आ गए हम लोकेशन पे। तेरी गाड़ी हमारी। ये 15 मिनट लेट था, इसके वजह से हम लोग 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हैं। Later. So hello guys, welcome back to new vlog. क्या कहूँ, vlog तो चल ही रहा है, existing vlog. कैसा लग रहा है? नहीं नहीं 9 घंटे बाद। 9 घंटे में 5 घंटे सोया हूँ। बहुत मजा आ रही है। Garden garden हो रही है। पर हालत खराब हो गया। ऐसा हो रहा है कि garden garden हो रहा है। Views ऐसे हैं कि it's all worth it. असली view कल start होगा। ये रहा अपना होटल। इसमें है रिजर्व अपना होटल। सोई सोई नहीं, ठीक लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है कैमरे में, वैसे बेकार लगता देखने में। गजब बेइज्जती है। सो गाइस ये हमारा रूम है, देख रहे हो। हाउ इज इट लुकिंग प्रो? कैसा है? सही है भाई, वॉशरूम अच्छा है सबसे बड़ी बात। वॉशरूम बेड तो ऑलमोस्ट बेस्ट है। वॉशरूम चेक करते हैं। वॉशरूम इज ऑलवेज परफेक्ट। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। टीवी भी लगा। Few moments later. रात को सारे भाई लोग चाय पीते हुए, नहाने के बाद अलग ही फील हो रहा है, एकदम फ्रेश है ना।
टेरेस का क्या व्यू आ रहा है, मजा आ गया। अब यहाँ एक छोटी सी मीटिंग है, अपने सारे मेंबर्स बैठ चुके हैं। नेक्स्ट डे भाई रूम से व्यू देखो सुबह का, मुझे वो आ रही है ना, कैसा लग रहा है ब्रो? सामने मंदिर, वीडियो बन रही है, फोटो क्या करनी है तेरे को? डे जब हम घांगरिया जाएंगे वो वाला डे है, ये सेकंड डे है। डेढ़ घंटे तक पुलवाना कह रहा हूँ, क्या नाम था उस जगह? पुलना। हाँ पुलना, पुलवाना कह रहा हूँ, पुलवाना पता टैग हुआ था, पुलना नाम था जगह का। पहले वहाँ तक 4 किलोमीटर का ट्रैक, और उसके 4 किलोमीटर मतलब व्हीकल से, फिर 10 किलोमीटर का ट्रैक घांगरिया तक। आज बस इतना ही है, मतलब 2-3 बजे तक या उससे लेट तक पहुँच जाएंगे घांगरिया, फिर वहाँ स्टे है। वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक कल। कैसे हो सर? सबसे आगे आप हो, हम आपके पीछे। जी सर, हिमालयन भाई साहब सामने व्यू। बस यही चाहिए ना जिंदगी में, बस यही चाहिए। ऐसे जगह हो भाई घर, तो सुबह वॉक करने के मजे हैं। कोई मिल गया मेरा दिल ले गया। ये हम हैं, ये हमारी चाय है। A few inches later. चल चुके हैं, कैसा लग रहा है? बस बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी हम जब तू चढ़ेगा ना सबसे धीरे तो तब पता लगेगा। How's the Josh? Nice sir. अभी बढ़िया है, आगे भाई हालत खराब हो रही है। अरे उधर उधर व्यू को दिखाओ। व्यू देख चुके हैं पहाड़ भाई। अब पता है मैं क्या करूंगा, टाइम लैप रिकॉर्ड कर दूंगा, टाइम लैप में पूरा चलता रहेगा। उतर गए हम लोग। ये है पुलना। सभी ने पैक लंच अपने पास रखे, अपना अपना पोंचो, स्टिक्स है, सन कैप। आगे से जो भी ट्रैक चल रहा है वो ऐसा ना है कि 1-1 किलोमीटर का गैप, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 100 मीटर्स का गैप, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए आगे और पीछे वाले के बीच, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं बोलना कि जो आगे चल रहा है भैया हमको तेज चलना, आगे निकाल एक साथ साथ चलेंगे। सो गाइस हमारा ट्रैक चालू हो चुका है पुलना से घगरिया की ओर, घांगरिया सॉरी ब्रो। सो हमको अभी लगेगा 8-9 घंटे ट्रैक पे करने में, पुलना से बेसिकली 8-9 घंटा बता रहे हैं, और 10 किलोमीटर के आसपास है ना? 10 किलोमीटर, लेकिन 6 किलोमीटर रुक के हम लंच करेंगे, थोड़ा लंच वंच भी करेंगे। लंच पैक्ड है हमारा, टिफिन बॉक्स है, बैग है, कंपनी वाले के थ्रू पैक हुआ है, है तो उसमें पराठे, वैसे पराठे चटनी पर काफ़ी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि 6 किलोमीटर के बाद तो 4 किलोमीटर का ट्रैक है वो ना, ज़्यादा स्टीप है, उसमें जान ज़्यादा लगेगी, तो खाने के बाद अभी तो शुरुआत हुई है, 10 मीटर हुए हैं। गाइस यहाँ से घोड़ा बुक कर सकते हैं, स्टीप ज़्यादा लगता है। अच्छा, सही बात है, लोग थक रहे हैं, पीछे पूरे कोई लोग नहीं अभी तक, पूरा खाली। इनको देखो भाई, ये एंटिटीज है, इतना भारी लेकर आ रही हैं यार। कैसा लग रहा है ब्रो, सबसे आगे ग्रुप में हम लोग? सिर्फ 1 किलोमीटर हुआ है अभी तो, 1 किलोमीटर हुआ है, 1 ही किलोमीटर हुआ होगा भैया, 1.5 चलो पता नहीं लगा, जल्दी हो गया। हाँ अभी आखिरी के 4 किलोमीटर स्टेप हो गए, और हम मजे में जल्दी आ गए, हमारी पूरी टीम बहुत पीछे अभी। मत बोल, वो लोग भी ब्लॉग देखेंगे बाद में साले। सॉरी यार सॉरी, ये एक सीन कट कर देंगे ठीक है, बट ब्लॉग एडिटिंग के साथ नहीं काटना ना, कोई नहीं, कट कट कट।
15 minutes later. Hey, welcome to Habibi. Habibi, come to Parade. Dubai. No tractor, ne kabhi. अच्छा, लेकिन stick बहुत important था. Everyone, जो भी सोच रहा है कि इस बिना stick के, it's really difficult. और day pack हल्का रखना. नीचे हालत खराब हो गई है. पता नहीं किसकी, बस leave it. Cut, 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 scene cut. Look at this beauty, bro. Guys. Bro. ये लक्ष्मण गंगा है ना, थोड़ा रास्ता होता है ना बेल्ट के पास जाने का. यहाँ से इतनी प्यारी हवा आ रही है ना, ठंडी ठंडी धूल धूल लग रही है ना ऊपर से. हाँ, पेड़ में कवर हो गए हैं, हवा हवा आ रही है. एकदम मजा आ रहा है, एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है. धूप तो है, लगेगी ना, तो पहाड़ में ही होता है. दिन में धूप लगती है तो बहुत गर्मी, रात को ठंड तो बहुत ठंड, ऐसा ही होता है. तो कोई लगता नहीं, ज़्यादातर ह्यूमर फैला रखा है लोगों ने कि बाढ़ आ रहा है, बारिश आ रहा है. आ रहा है, हमारे नसीब में आया नहीं है, हम कहीं नहीं फंसे, पर आ जरूर रहा क्योंकि न्यूज़ अपडेट पर आ रहा है. हरिद्वार हल्द्वानी में यहाँ पर बारिश हो गई तगड़ी, रास्ते रास्ते बंद हो गए बारिश की वजह से. हमारी अच्छी किस्मत है, हमें एक दिन पहले सफ़र किया तो हम पहले आ चुके हैं ट्रैक पे. अब ट्रैक पे तो मुड़ने का कोई है ही नहीं, ट्रैक पूरा होगा, अब जो होगा ज़्यादा टाइम होगा बारिश वाली. अब तक हम सारी बारिश से बच गए हैं. हाँ, रास्ते में 3 लैंडस्लाइड जरूर देखी हमने, मतलब प्रॉपर लैंडस्लाइड नहीं थी, हो चुकी थी, बस वो मलबा हटा रहे थे तो हमें रुकना पड़ेगा. आँख से नहीं देखी उतनी, अच्छी बात है, इन सब चीज़ों से दूर रहें उतना ही फायदा. तो गाइस ट्राई करो खुद से आने की, पर ठीक है न्यूज़ वगैरह देख रहे हो कि वो सारी वीडियोज़ ना काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो लेटेस्ट के लिए थोड़ा अपडेट रहो. बाकी बार रिस्क लेने में तो है ही रिस्क, ट्राई करते रहो. देखा जितना दोनों आंखों से देखा जा सकता था, कितना देखा, आंखों से कितना देखा जा सकता था. वाह 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 वाह. आवाज सुन रहे हो भाई, पता नहीं किस चीज की आवाज है, बस वो सूर्य. बादल गाइस, ये लंच करेंगे ब्रो. कैसा लग रहा है यू, तो ये लंच पॉइंट बहुत अच्छा है, ऐसी जगह पे लंच मिल जाए. ये तो देख ब्रिज लोहे का है पूरा. इस ब्रिज का नाम तो नहीं पता मैं. भाई साहब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ रही है, पर जो मस्त व्यू के साथ ना ठंड लग रही है, कदम तो हल्की हल्की प्यारी प्यारी ठंड. दिल्ली में तो बुरा हाल है भाई, कसम से, वहाँ पे चिप 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 चिप, ना नींद आ रही ना कुछ हो रहा है. क्यों राहुल, और ये हमारा लंच पॉइंट है, मतलब दोपहर के लंच में नीचे देखो इतनी प्यारी हवा. लंच ये रहा, अनबॉक्सिंग कर लंच की. अबे पराठे और आलू की सब्जी है, पराठे और आलू की सब्जी. इतना लंच, इतना कुछ ज्यादा नहीं दे दिया, इतने छोटे लंच में क्या हो रहा है. ये तो कुछ पनीर भी नहीं है, आलू भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये रहा आलू, छोटा सा लंच. इतना ज्यादा खाना दे दिया, बहुत ज्यादा दे दिया ना, अभी अभी हालत खराब हो गई. 15 मिनट्स लेटर. और ये है वेद भाई, और ये मेरी बना रहा है, मैं इनकी बना रहा हूँ, और ये हमारे खुद के और लोग. नीचे देखिए भाई, नीचे देखिए. देखा जाए तो अब असली ट्रैक चालू हुआ है, हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई है. राहुल थक रहा है, ये यकीन नहीं हो रहा मुझे. बारिश देखो गाइस, आते आते तो खतरनाक सीन दिख रहा है. अच्छा ऊपर से दे भाई, अब आ रहा है असली स्वाद ट्रैक का, स्वाद. बारिश भी चालू हो गई यार, ऑलमोस्ट हल्की हल्की. बंद करता हूँ कैमरा. अरे मस्त व्यू आ रहा है ना, बादल देखो, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है सर के ऊपर ही है बादल. टच कर लेंगे, ऐसा लग रहा है चढ़ाई करते करते.
देखो गाइस ये पेड़ घोड़े जैसा लग रहा है, इतना हिस्सा बस, इतना मुंह नहीं लग रहा था। रेस करते हुए चलना पड़ रहा है, थक गया मेरा भाई, मैं थक गया। ये राहुल बार बार थक जा रहा है बीच में, क्या करूं। तुमको तो पता है लास्ट ब्लॉग में भी क्या हाल हुआ था, ये बंदा 10 बार रुका था, मैं नॉन स्टॉप चल रहा था। अभी फिर बहाना पता क्या मार रहा है, कह रहा जुकाम है, ये कोई बात हुई? कुछ भी, इधर देख के बोल, झूठ की बोल रहा है। जो कहानी इसने बताई है ठीक इसकी उल्टी है, समझ गया। नहीं गाइस ठीक उल्टी है इसकी। मैं ब्लॉगर हूँ, मेरे को सपोर्ट करो, बाय बाय। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, ये वो बंदे होंगे। तुम आओ ट्रैक पे, मैं जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर से सीधा एरिया, डायरेक्ट पहुंच गया आराम से। वो लिखा 2 किलोमीटर भाई, वॉलीबॉल खेलने मन कर रहा है। अगर मौका मिले तो हम उनके साथ जाएंगे खेलने, वैसे वो खिलाएंगे नहीं क्योंकि हमारी स्किल बहुत खराब है, लेकिन ट्राई करने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बाकी रिव्यू तो भाई साहब गदर हो रहा है भाई, देख रहा फॉग देख रहा चारों ओर, फॉग ही फॉग हो रहा है, मौज कर दी मौज। और पास पहुंच गए, और यहाँ स्टे के लिए टेंट्स है, घर नहीं है। और यहाँ के डॉगी देखो भालू जैसे लग रहे हैं। कितना? 300 300 300 300। यहाँ पे इस स्टिक की कीमत मतलब लकड़ी वाले की है 150 रुपये, 150 नहीं 40 रुपये, 40 रुपये। कैमरा 250 रुपये और बात हो गए हमारे, हमने ये 250 रुपये में रेंट पे लिया है। तो आई थिंक अगर सही सही जगह पर मिल जाए, अगर जोशी मठ में मिल जाए 40 वाली बेटर, पर जोशी मठ में था नहीं ना ऑप्शन इतना। आप उसकी हाइट एक बार आप सेट कर लोगे ना, आप चेंज नहीं करोगे बार बार, हाइट के हिसाब से। और इसके भी मज़े हैं, एस्ट एडजस्ट हो जाता आराम से। गुरुद्वारा के बगल में हमारा है स्टे, गुरुद्वारा पहुंच गए। मेरा द सर्चिंग सोल एंट्रेंस, ये दोनों लेट आए, थक गए थे बहुत ज़्यादा। कुछ भी बहुत ज़्यादा थक गया था भाई मैं, मुझे लो भाई। बात ये है कि कल से ट्रैक शुरू होगा, कल से ट्रैक शुरू होगा, अभी तक वार्म अप था। अरे भाई डायलॉग हो रहा है, एक बार वीडियो की डायलॉग तो दो कोई। आज मैगी नहीं बनाऊंगा, स्टाइल का मैगी बनाऊंगा। ये ले ले मुआ ये ले ले मुआ ये ले ले मुआ ये ले 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 और जगह बाकी है एक और डालो कम ना पड़ेगा। थैंक यू, डबल राउंड ले लेना। वो ताला तोड़ ताला तोड़ ताला ताला तोड़ ए भाई चाबी निकाल भाई, वेलकम टू न्यू बेड भाई, फ्रेश एयर आएगी इधर से, फ्रेश एयर आएगी। बाथरूम दिखाओ, बाथरूम पता, एक बंदा मेरे ब्लॉग में कह रहा है, सुन तो ब्लॉग में कमेंट कर रहा है, भाई तू बाथरूम क्यों दिखाता है? मैं का बाथरूम तो सबसे इम्पोर्टेंट है।
और क्या सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्शन वहीं से फैलते हैं, सो बी केयरफुल। ठंड तो हो रही है भाई, डर दे एक ब्लॉग में बहुत ठंड हो रही है, हमें लगा इतनी ठंड है, लेकिन हम सिर्फ एक ही जैकेट पाए पर हमारी जैकेट में काम चल जाता है। -10 डिग्री हल्के में नहीं लेने का। अलग ही फील है भाई यहाँ पे। फॉग ही फॉग हो गई पूरा दिखा रहा। Oh, 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 oh.